टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अल्काइंस के कौन से केमिकल रिएक्शन है। तो द फर्स्ट वन, पहला हमारे साथ है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजन्स। चूंकि हमारे साथ अल्काइन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये अनसैचुरेटेड है। इसमें दो हमारे साथ है पाई बॉन्ड और एक हमारे साथ है सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड चूंकि वीक बॉन्ड है तो ये आसानी से ब्रेक हो जाता है और रिजल्ट में इस पे आसानी से एडिशन होता है। तो पहला हमारे साथ है हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, इसमें हम ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, या इवन हमारे साथ इसमें हाइड्रोजिनेशन भी होता है, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हम पढ़ चुके हैं। तो हम लेते हैं अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड सी और एच प्लस, इसको हम क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं सीएल और सीएल। तो ये दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्लोरीनेशन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, ये एक पाई बॉन्ड जो है ब्रेकअप हो जाता है और ये भी ब्रेक हो जाता है, इससे फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये यहाँ पे इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है और ये यहाँ पे अटैच होता है। तो रिजल्ट में हमारे साथ बनता है एच सी डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। सो ट्रिपल बॉन्ड जो है अल्काइन कन्वर्टेड टू अल्कीन, 1,2-dichloroethene हमारे साथ बन जाता है, डाई हेलाइड बन जाता है। सेकंड स्टेप में एंड सेकंड स्टेप इसको दोबारा क्लोरीनेशन होती है, एच सी डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, डाई हेलाइड है प्लस अगेन क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाता है और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाता है। रिजल्ट में हमारे साथ टेट्रा हेलाइड बनता है, टेट्रा हेलाइड। सो दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। इसी तरह यही मेथड है, इस पे जो है हाइड्रोजिनेशन भी जो है होता है, जिससे रिजल्ट में हमारे साथ जो है बन जाता है अल्केन बन जाता है। द सेकंड मेथड इज ऑक्सीडेशन। नाउ ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या दूसरा डेफिनेशन हमारे साथ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तीसरा डेफिनेशन हमारे साथ है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं अल्काइन को, तो इसके लिए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, जो हम केमेनोपोर लेते हैं। तो हमारे साथ है ऑक्सीडेशन विद केएमएनोपोर, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं वन स्टेप में रिएक्शन लिखूं तो हमारे साथ है एसिटाइलीन प्लस हमारे साथ यहां पे इसको हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं और के एमिनोपोर। तो रिजल्ट में हमारे साथ बन जाता है ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। This is one step reaction plus side product हमारे साथ CO2 बन जाता है। So this is oxalic acid, oxalic acid बन जाता है। अभी किस तरह ये reaction होता है, इसका mechanism किस तरह है, इसका तरीका का, इसका mechanism किस तरह है। तो first step में हमारे साथ acetylene हम लेते हैं, HC triple bond C, यहाँ पे H plus हमारे साथ है पोर, के एमिनोपोर हम लेते हैं, चार मॉलिक्यूल के एमिनोपोर का और थ्री एसिटाइलीन हम लेते हैं प्लस इसके साथ हम लेते हैं H2O। तो रिजल्ट में हमारे साथ जो प्रोडक्ट बन जाता है तो वो HC, यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाते हैं टू एडजेसेंट कार्बन एटम पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है प्लस इसके साथ हमारे साथ जो है बनता है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 बन जाता है और प्लस हमारे साथ K
KOH बन जाता है। नाउ जब ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो टू एडजेसेंट कार्बन, सो दिस इज हाईली अनस्टेबल, तो इसकी ब्रेकिंग होती है। ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेकअप होता है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, यहां पे OH H, यहां पे इसका जो है इससे डिहाइड्रेशन होता है -2H2O, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है H C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, और डिहाइड्रेशन इससे होता है। ये भी जो है अनस्टेबल है, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कर ले तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे ओ एच। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब हम एसिटाइलीन को ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसके लिए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, रिजल्ट में हमारे साथ ये बन जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं कोर टू एडजेसेंट कार्बन पे। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो टू एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है ये हमारे साथ हाईली अनस्टेबल है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। जब इसको हम मजीद ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमारे साथ देता है ऑक्सैलिक एसिड। सो दिस इज अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन।